सादा विरमनि सिखा पदं स्मादियामि छब्बीस नवंबर संविधान दिवस, संविधान का उत्सव, संविधान का फेस्टिवल, संविधान का जन्मदिन, संविधान का वर्षगांठ, बर्थडे। मुझे याद है हमारे फादर इस दिन अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट करते थे, याद करते थे। और हम लोग जब यहाँ दिल्ली में इंडिया गेट पर पिकनिक मनाने के लिए जाया करते थे, ख़ास तौर से इस दिन मौसम बहुत अच्छा रहता है तो पिकनिक का बड़ा मज़ा आता है, इस बहाने पिकनिक हो जाया करती थी। मगर ऐसा नहीं पता था कि ये 26 नवंबर पूरे भारत में और पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से मनाया जाएगा। एपीआई पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय मानकर, उनका एकाध कार्यक्रम बड़े लेवल पर लगा है जो संविधान दिवस के नाम सर लगा है, बाकी किसी ने इसको लगाया नहीं। 2015 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका अनाउंसमेंट किया और संविधान दिवस को सरकारी रूप से मनाने की बात की, तो 2016 में वी द पीपल समर संघ यानी हम भारत के लोग के जो लोग हैं, उन्होंने इसकी एक पोस्ट बनाई और पोस्ट बनाकर भेजी, मगर कोई खास फर्क हुआ नहीं। तो 2017 में कमर कसी के इसको पूरे भारत में फैलाना है और इसको एक उत्सव के रूप में स्थापित करना है। इसकी तैयारी 1.5-2 महीने से पहले हुई और सैकड़ों तरह की पोस्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाई, लोगों को दी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग दिल्ली में इंडिया गेट पर इस उत्सव को मनाने के लिए, 26 नवंबर का संविधान दिवस मनाने के लिए आए। एक मार्च हुई, मार्च में हैप्पी बर्थडे संविधान, हैप्पी बर्थडे कॉन्स्टिट्यूशन गाया गया, वो वीडियो काफ़ी फेमस हुई। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2018 को जो कार्यक्रम इंडिया गेट पर लगना था राष्ट्रीय लेवल का बड़ा कार्यक्रम, वो छोटा हो गया और लोगों ने अपने अपने यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम लगाए। उस कार्यक्रम का कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ उसका नुकसान हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि लोग जागरूक हो गए, लोगों ने संविधान दिवस मनाना शुरू किया, बड़े पैमाने पर कंपटीशन हुआ। जहाँ 2017 में 2000 के करीब या 2000 प्लस के करीब कार्यक्रम लगे, वहीं 2018 में ये 4000 हो गए और 2019 में आते आते ये 10000 से ऊपर कार्यक्रम पूरे देश में हो गए। 2020 में कोविड आ गया और इस बार 2021 है। 2021 में भी जगह जगह एक एक शहर में 3-3, 4-4 कार्यक्रम और बड़े शहरों में तो 20-20 कार्यक्रम लगे हुए हैं। हर जगह लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, यानी ये कार्यक्रम स्थापित हो गया, मगर इसके वो परिणाम नहीं आए जिस परिणाम के लिए इसको स्थापित किया गया था। क्योंकि ये राष्ट्रीय उत्सव था, राष्ट्र का उत्सव था, तो इसमें पूरे राष्ट्र को इन्वॉल्व होना था, जैसे दिवाली पर पूरा राष्ट्र इन्वॉल्व होता है वैसे। मगर इसमें सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर के जानकार अधिकतर इन्वॉल्व हुए, जो संविधान को जानते हैं या जिनकी संविधान में आस्था है या जो संविधान में अपनी मान्यता रखते हैं, अधिकतर वही लोग इसको मनाते हैं। पूरा राष्ट्र इसको नहीं मनाता, इसलिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हो नहीं पाया। सरकार जरूर इसको मना रही है, मगर लोगों में अभी इसकी जानकारी, इसका रुझान नहीं है। एक नुकसान ये हुआ कि इंडिया गेट पर जब इसको मनाना शुरू किया गया था और इसका प्रचार किया गया था कि सब लोग इंडिया गेट पर आएं, तो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इंडिया गेट क्यों बुला रहे हैं। दरअसल इंडिया गेट राष्ट्रीय जगह है, तो यहाँ इंडिया गेट में आना चाहिए था जो दिल्ली NCR के लोग हैं। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होता, बड़ा कार्यक्रम होता, लोग गुटबाजी में आगे, लोगों को लगा कि ये कॉल वी द पीपल समर संघ या Team 22 यूट्यूब चैनल की तरफ से है, तो वो बड़े लोग हो जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा, इसलिए 26 नवंबर हमको मनाना तो है मगर टुकड़े टुकड़े में मनाना है। और लोगों ने अपने अपने कार्यक्रम अलग अलग लगाए, और कार्यक्रम क्या लगाए, उनके पास सिर्फ एक चलन है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। माइक लगाते हैं, मंच लगाते हैं, माला लगाते हैं और वहाँ नेताओं को बुलाते हैं, और नेता अपनी भड़ास, अपनी प्यास, अपना भाषण देने का जो उनका लालच है, जो भाषण देने की उनके अंदर बीमारी है, जो भाषण देने का कीड़ा क्रोध रहता है, उसको वो पूरा कर लेते हैं। बाकी पर्पज इसका डिफीट हो गया। पर्पज डिफीट इसलिए हो गया क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम बनना था, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम तब बनता है जब पूरा राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व होता है और ये बड़े बड़े कार्यक्रम एक साथ रखते हैं, वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होते,
तब संविधान का जय होता, तब संविधान दिवस वास्तव में राष्ट्रीय रूप में मनता। यह हर घर में मोमबत्ती लगती, हर घर में संविधान बनता, हर घर में बनता, इसका प्रयास नहीं हुआ। और जैसे बाकी कार्यक्रमों की मट्टी पलीद हो जाती है, वैसे ही संविधान दिवस की भी जो इंडिया गेट पर बनाने की कोशिश की गई थी, उसकी भी मट्टी पलीद कर दी गई हमारे होनहार छुट भैये कम अकल नेताओं की वजह से। क्योंकि वो छोटे छोटे जो कार्यक्रम लगाते हैं अपने आप को चमकाने के लिए, अपना भाषण देने के लिए, अपना फोटो खींचने के लिए, उससे नुकसान ये हुआ कि ये राष्ट्र की बजाय गली का कार्यक्रम हो गया, जैसे बाकी सारे गली के कार्यक्रम हैं। तो जब संविधान है तो राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए, गली का कार्यक्रम तो है नहीं। और फिर इसको कुछ लोगों तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इसके लिए और भी ज़्यादा घातक है। वो तो शुक्र है सरकार का कि सरकार इसको राष्ट्रीय लेवल पर घोषित करती है और इसका ऑर्डर पास करती है, तो वहाँ थोड़ी सी गरिमा बची हुई है। तो आपसे ये निवेदन है कि अगले साल जब आप 26 नवंबर मनाएं तो एक शहर में एक ही मनाएं, छः छः ना मनाएं, और स्टेट लेवल का एक बड़ा कार्यक्रम रखें, राष्ट्रीय लेवल का एक बड़ा कार्यक्रम रखें। बड़े कार्यक्रम से पूरी दुनिया में आवाज़ जाती है, तब संविधान सच में आपका महान होगा। वरना तो संविधान की भी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे बाकी के कार्यक्रमों की आपने हालत कर दी है, टोटे टोटे और टुकड़े टुकड़े और अलग अलग, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई मान्यता नहीं, जिसको कोई नहीं पूछता। इसलिए ये ध्यान रखें, जब 2022 में संविधान दिवस मनाएं तो पूरे शहर में एक मनाएं, स्टेट में एक मनाएं, राष्ट्र में एक मनाएं, गांव में एक मनाएं, अलग अलग ना मनाएं। अलग अलग मनाने से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
सिंधु